का गुल्ला हो हम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब जब सारा पेपर बाहर चला गया है, सब बाहर चला गया, ये क्या बेवकूफी, आप अंदर जाके पेपर दीजिए, कोई लीक, अब ये इसको प्रॉपर ये OMR तक है। दोस्तों बिहार के अंदर में BPSC का पेपर था आज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। खबर ये निकल कर आ रही है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है और OMR सीट लेकर लोग बाहर घूमते हुए यहाँ पर नजर आए। पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी फिलहाल इसमें वो परीक्षा सेंटर क्या बोल रहा है जिसका नाम है बापू परीक्षा केंद्र पटना के अंदर में, और बच्चे क्या बोल रहे हैं वो आप लोग सुनिएगा और आप लोग बताइएगा इसमें गलती किसकी है, क्योंकि यहां पर अगर आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा होगा तो तब आप लोग समझेंगे कि रियलिटी में कि बच्चे आखिर पैनिक क्यों हो गए इतने सारे, कि 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहां पर सेंटर से बाहर निकल आए। उन्होंने बोला कि परीक्षा देने का मतलब ही क्या रह गया जब पेपर पहले से ही बाहर है। मुद्दा क्या है ढंग से पूरा सुनिए पहले एक बार। पटना के अंदर में बापू परीक्षा केंद्र है, उसमें बच्चों को पेपर जो है 12:25 तक पेपर ही नहीं मिला बच्चों को। 30 मिनट के बाद बच्चों के पास में पेपर आता है, और जब पेपर आता है तो जिस एनवलप में पेपर आता है वो एनवलप पैक रहता है, बिल्कुल सील पैक रहता है, बच्चों के सामने खुला जाता है, तो वो एनवलप ऑलरेडी खुला हुआ था। सोच के देखो आधा घंटा पेपर लेट चल रहा है आप लोगों का, आप कितने पैनिक हो जाते हैं, 2 घंटे का पेपर उसमें से आधा घंटा 30 मिनट निकल चुके हैं आपकी, तो आप लोग वैसे ही इतने ज्यादा पैनिक हो गए यहाँ पर। और जब यहाँ पर आप लोगों के पास में वो बंडल पहुंच रहा है वो खुला हुआ है तो बच्चों को क्या फील होगा आप लोग खुद सोचो एक मिनट के लिए। तो बच्चे पहले से ही पैनिक बैठे हुए थे, ऑलरेडी जब उनको पता चला कि भाई साहब ये तो यार खुला हुआ आ रखा है यहाँ पर एनवलप, इसका मतलब पेपर इसमें से निकाले जा चुके हैं, तो बच्चे और ज्यादा पैनिक हो गए यहाँ पर। और बच्चे जो हैं कई सारे बच्चे यहाँ पर OMR सीट और कॉपी लेकर जो है अपनी जो पेपर लेकर वो बाहर आ गए यहाँ पर और बिल्कुल प्रोटेस्ट करने लगे। बाकी परीक्षा केंद्र पर जो यहाँ पर उसके परीक्षा केंद्र के जो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोलर थे उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 12,500 के करीब बच्चे थे इस परीक्षा केंद्र के ऊपर में, और यहां पर एक कमरे के अंदर में जो क्वेश्चन पेपर जो है एक एनवलप के अंदर में ज्यादा आ गए और दूसरे एनवलप के अंदर में कम थे यहां पर, तो हम लोगों को एनवलप पहले ही खोलना पड़ा ताकि इक्वल पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके यहां पर, इसलिए हमको पहले खोलना पड़ा और इसीलिए पेपर पहुंचाने भी थोड़ी देरी हो गई बच्चों के पास में। और हमने बच्चों को ये बोला था कि अगर आप लोगों का 12:30 पेपर स्टार्ट हो रहा है तो हम आपको 2:30 तक का टाइम दे देंगे, ये यहां पर बोला गया एग्जाम के जो कंट्रोलर है वहां पर उनके द्वारा उस पर्टिकुलर सेंटर पे। आप लोग ये चीज सोचकर देखो, अगर आप लोगों को ऑलरेडी पेपर देरी से मिल रहा है, वो भी सील टूटा हुआ पेपर मिल रहा है यहाँ पर, तो बच्चों के अंदर में क्या फीलिंग आएगी। और उसके बाद में तुम यहां पर एक तरीके से जब पता है कि पहले से ही पेपर की डेट डिसाइडेड है, पहले से ही सेंटर डिसाइडेड है, सारी चीजें डिसाइडेड है, तो ये काउंट कर प्रॉपर पेपर क्यों नहीं भेजे गए भाई साहब, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, पॉइंट नंबर वन। अब यहां पर इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है पहले ही एग्जाम से पहले ही ऑलरेडी कि भाई नॉर्मलाइजेशन हटा दो तुम इसके अंदर में, वो ऑलरेडी इतना इरिटेट हो रखा है हमको ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर में ट्रस्ट नहीं है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर में जिसकी कुछ हद नहीं है, हर दूसरा पेपर लीक हो रहा है आज के डेट में। इसी के साथ में नकल चलाने की खबर वैसे निकल कर आती है अगर लीक नहीं होता पेपर तो बच्चों का ट्रस्ट ऑलरेडी खत्म हो रखा है। जब उसमें ट्रस्ट ही नहीं है आप लोग उसमें इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि भाई साहब एक पेपर वहां पर सील टूटा पेपर लाकर बच्चों के सामने रख रहे हैं और ऊपर से वो भी आधा घंटा लेट, तो वो पहले से इतने पैनिक हो रखे हैं, ऊपर से कह रहे हो कि उन बच्चों की गलती है और उन बच्चों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बाकी तो सब बच्चों ने पेपर दिया, वो 100-150 बच्चे हैं बस उन्होंने ये हंगामा मचाया यहाँ पर। मतलब सोचो ये किसकी, मतलब कोई इसमें है कोई ऐसा सेंस कि मतलब तुम आधा घंटा पहले पेपर देना, मतलब पेपर जो है आधा घंटा बाद में दे रहे हो, ऊपर से यहां पर पेपर जो दे रहे हो वो सील खुला हुआ बेसिकली बंडल आ रहा है वहां पर, तो वो ऑलरेडी पैनिक हो रखे हैं, तो गलती किसकी है इसमें। तो मतलब कोशिश ये की जा रही है कि ऊपर से बच्चों के ऊपर ही इस आरोप को मंडकर सेंटर जो है अपना पल्ला झाड़ ले, क्योंकि उनके द्वारा अगर पेपर ये लीक किया गया है, अगर ऐसी कोई चीज रियलिटी में है तो वो तो अपना पैसा कमा के निकल लेंगे जितना उनको जो मिलना था जो भी होना था यहां पर। पर लेकिन जो बच्चों का पेपर ही नहीं हुआ जिन्होंने इसके चक्कर में कि भाई पहले से ही जब पहले बाहर पेपर घूम रहे तो हम पेपर देकर क्या करें, उनका मनोबल वैसे ही डाउन हो जाता है बच्चों का, फिर यहां पर एक तो वैसे ही एक तरीके से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चीजें चल रही है। और उससे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पेपर देने पहुंचे हुए हैं, तो भाई वो बच्चे सोचो किस तरीके से वहां पर पहले दिन जाकर अपना रुके होंगे किसी बेसिकली होटल लॉज वगैरह में, उसके बाद में जाकर उन्हें पेपर देने गए होंगे, तो उनके दिमाग में वैसे ही ऑलरेडी यार इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, तो यहां पर भी ऊपर से बच्चों को ही फिर यहां पर गुनहगार ठहरा जाए इसके लिए यहां पर, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है या फिर गलती बच्चों की यहां पर, अब आप लोग ये बताइए।
तो क्या होना चाहिए वैसे अगर देखा जाए, जैसा इनका अभी बयान आ रहा है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उन बच्चों को ही बेसिकली कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं और बाकी सारी चीजों को नॉर्मल करना चाह रहे हैं। बाकी ये सिचुएशन ऐसी बनी है फिलहाल के टाइम पर कि ट्रस्ट जो है वो और ज्यादा ब्रेक होता है यहां पर बच्चों का आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स को लेकर। इसलिए आप लोगों को याद होगा द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब ये सारे पेपर ना यूपीएससी के हाथ में पकड़ा दो, वही इसको हैंडल कर सकता है। स्टेट के बस की बात रही नहीं है, जिस तरीके से सारे के सारे पेपर में घोटाले चलते हुए नजर आते हैं। अभी एसएससी का देखा आप लोगों ने, उसमें क्या क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कि एक ही कमरे में से दुनिया भर के बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं यार। सारे के सारे वो कहते हैं एक तरीके से साइंटिस्ट उसी रूम में आकर बैठ गए थे कि उन्होंने पेपर फोड़ डाला भाई साहब। तो ये सारी क्वेश्चन मार्क लगाने वाली चीजें होती हैं, तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे जो मेहनत करते हैं साल दर साल, अपनी जिंदगी का एक इतना कीमती टाइम इसमें लगा देते हैं और उसके बाद में उनके सामने आती हैं तो ऐसी चीजें निकल कर, ऊपर से माँ बाप पैसे टूट जाते हैं, वो बच्चों पर कब तक पैसे खर्च करें, बच्चों को कब तक एक तरीके से उस जोन में रखें यहाँ पर। ऊपर से जो उसमें बच्चों में भी खासकर जो लड़कियां होती हैं उन पर शादी का प्रेशर अलग से रहता है, अभी ये स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों ने देखी। तो यार ये सारी चीजें कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना इसका, या फिर बस हाथ झाड़ के निकल लो पल्ला झाड़ के ठीक है जो होना था हो गया। ये तो वही बात होगी कि एक सीमा पर कहीं पर दो स्टेट की सीमा पर बाउंड्री पर मर्डर हो गया, वो स्टेट कह रहा है कि भाई तेरे हिस्से में आता है, ये वो स्टेट कह रहा है कि तेरे दायरे में आता है, लड़ रहे हैं दोनों भाई साहब, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यार ये चीजें सही नहीं है, कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए और इसका सही तरीके से कहीं ना कहीं निवारण करना चाहिए ताकि बच्चों का ट्रस्ट बना रहे इन एग्जाम्स के ऊपर में, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। ऑलरेडी बेरोजगारी की वजह से जूझ रहे हैं बेचारे। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, तो देखते हैं अभी क्या चीजें निकल कर आती है। अगर कुछ गलत होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो SLV आप लोगों के साथ में है, आप लोगों की बातें जो है रखी जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। पर हाँ, शांति बनाकर रखिएगा, सिस्टमेटिक वे में चीजें जो है वो सुधारी जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में, बाकी अगर कहीं और भी आप लोगों ने पेपर दिया और लगा है कि यहाँ पर भी लीक हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ, मॉर्निंग वाली वीडियो मिलता हूँ द हिंदू डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए।